की छवि मिटाने के लिए छोड़े सारे प्रोजेक्ट, फिर भी नहीं मिला फिल्मों में काम। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं दिव्यंका त्रिपाठी के पति विवेक धैया की। हाल ही में दोनों ने शादी की और वहीं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। वहीं दिव्यंका अपने पति से बेहद प्यार करती है। अपने साथ साथ दिव्यंका ने अपने पति को भी लाइमलाइट में ला के खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हमेशा दिव्यंका त्रिपाठी अपनी बातों को लेकर और अपने काम को लेकर सुर्खियां तो बिटोरती है। इसी के साथ विवेक धैया भी एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं। बता दें कि विवेक ने बताया कि उन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए, लेकिन टीवी अभिनेता के टैग के कारण किसी ने उन्हें हाँ नहीं कहा। इसके साथ ही उन्हें की कई दफा प्रोडक्शन हाउस से कर्कश बातें भी सुनने को मिली है। कहा जाता है कि लोग आपको टीवी पर मुफ्त में देखते हैं, तो वो पैसे खर्च करके बड़े पर्दे पर क्यों देखना चाहेंगे। वहीं विवेक धैया ने बताया कि वो इन सब चीजों से थक चुके हैं और उन्हें ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है। फिल्मों में रोल पाने के लिए चाहत में उन्होंने कई टीवी प्रोजेक्ट छोड़ दिए और पिछले 2 साल से बिना काम के घर पर बैठे हैं। इसके बावजूद उन्हें ना तो टीवी एक्टर के टैग से छुटकारा मिल पा रहा है और ना ही फिल्मों में काम। वहीं विवेक धैया ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग वालों को इस बात को सोचना चाहिए कि टीवी एक्टर भी दर्शकों को थिएटर की तरफ खींच सकता है। हालांकि इसके साथ ही विवेक हिम्मत भी दिखाते हैं और कहते हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। इसके लिए वो घर पर अपनी बॉडी लैंग्वेज और कई हिस्सों पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही उनका लक्ष्य अटूट है। बता दें, विवेक को आखिर बार OTT पर वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज 26/11 में देखा गया था और वो हाल ही में किसी सीरियल में भी नजर नहीं आ रहे हैं। विवेक का कहना है वो 2 साल से घर पर बैठे हैं और उनकी पत्नी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। उसकी चाहत है कि मैं फिल्मों में जरूर जाऊं। वहीं दिव्यंका की वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में खतरों के खिलाड़ी शूट कर रही है और इसके लिए केप टाउन गई हुई है। और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।